एक दाल बन गया हूं उस युद्ध के बाद हुए पश्चात। ओह माय गॉड, आज के दिन क्या सरप्राइज मिला है। साल 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान के बाद एक्टर तेजा सज्जा वापस आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, वो भी एक ऐसी फिल्म के साथ जिसके कॉन्सेप्ट पे मैं चाहता था कि काश एक तो मूवी बने, और आज वो मेरा सपना सच हो गया है। ये फिल्म है सम्राट अशोक और उनके 9 सीक्रेट्स के ऊपर आधारित, यानी हमारी इंडिया की एक सीक्रेट सोसाइटी जो आज तक चलती आ रही है, लेकिन इसका जिक्र बहुत कम हुआ है। आपने इल्यूमिनाटी के बारे में तो सुना ही होगा, ऐसी ही एक सोसाइटी हमारे इंडिया में भी है, लेकिन ये सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। चलिए आइए आपको बताते हैं कि ये फिल्म क्या होने वाली है। तो इस फिल्म का 1 मिनट का ग्लिम्स वीडियो अब शेयर किया गया है, जहां तेजा सज्जा सुपर वॉरियर अवतार में एक फैंटेसी वर्ल्ड में नजर आ रहे हैं। तो इस ग्लिम्स की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोध मिश्रु एक लड़की को सम्राट अशोका के बारे में बता रहे हैं, और सम्राट अशोका की कालिंग युद्ध इतिहास के पन्ने पर काले धब्बे की तरह था। दरअसल सम्राट अशोका और कलिंग राजा के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, और इसका सम्राट को पछतावा हुआ था। पर उस पछतावा के बाद एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, और इस वीडियो में हमें 9 ग्रंथ दिखाए गए हैं जो किसी भी इंसान को भगवान और 9 योद्धाओं में बदल सकते हैं, और इनकी कई जनरेशंस तक रक्षा करने के लिए 9 योद्धाओं को भी भर्ती किया जाता है। तो इसलिए तेजा को जल्द ही एक सुपर योद्धा के रूप में पेश किया जाता है, जिसे एक अंधेरी शक्ति को अशोक के गुप्त 9 तक पहुंचने से रोकने के लिए भेजा जाता है। दरअसल एक वॉरियर बनकर तेजा हमें इसमें एक्शन करते नजर आएंगे, और ग्लिम्स में भी कुछ फाइटिंग फॉर्म्स को देखा जा चुका है, जैसे कि हमने इसमें स्ट्रिक्ट फाइटिंग दिखाई जा चुकी है, जिसे करा सम्मू कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। वैसे इस एडवेंचरस ड्रामा में हमने तेजा का चेहरा तो देखा, लीडिंग लेडी रितिका नायक को भी एक एक्शन सीन करते हुए देखा, पर हमने एंटीगनिस्ट को नहीं देखा। लेकिन इस ग्लिम्स में वो था, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं गया। एक सीन है जहां एक एंटीगनिस्ट गार्ड से फाइट कर रहा है, और वो एक गार्ड के बीचों बीच तलवार को घुसेड़ देता है, और तलवार बहुत ही भारी और अलग डिजाइन की होती है। उसी डिजाइन का इस्तेमाल करके एंटीगनिस्ट का चेहरा भी छुपाया जाता है। वैसे फिल्म आने के बाद तो हमें वो दिखाई देगी ही, पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोई तेलुगु एक्टर ही है। वैसे ये पीरियड एक्शन ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं कार्तिक घतामनेनी, जिनकी कार्तिकेय और कार्तिकेय 2 में हमने सिनेमाटोग्राफी देखी है। वैसे अगर आपको टाइटल का मतलब जानना है तो मिराई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है मिरेकल। तो यही फिल्म रिलीज होने वाली है 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में, वो भी 2D और 3D फॉर्म में। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828500888।